हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अप्रैल माह के टॉप 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो अप्रैल माह के जो टॉप 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर की दृष्टि से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना। और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, और मंथली पीछे के सारे मंथ्स के करंट अफेयर के वीडियो भी दिए गए हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। और अगर आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उनके वीडियो भी दिए गए हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें अप्रैल माह के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह के टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली कहाँ विकसित की है? तो ये की है जापान ने, तो जापान में विकसित किए हैं टेस्ला ने। अब टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलन मास्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में हम थोड़ा पास्ट चलेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चंस में। हाल ही में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है मनु सानी ने। इनसे पहले थे डेव रिचर्डसन और शशांक मनोहर, वर्तमान में चेयरपर्सन है आईसीसी के। आईसीसी के फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो मनु सानी ने कार्यभार संभाला है आईसीसी के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने जीता है, दक्षिण कोरिया ने जीता है भारत को हरा कर। तो सुल्तान अजलान शाह कप जीता है दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जुजाना केपुटोवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जुजाना केपुटोवा स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये जुजाना केपुटोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बहरीन ग्रांड प्री 2019 किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ने वाल्टेरी बोटास को हराकर जीती है बहरीन ग्रांड प्री 2019। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया का पहला राष्ट्रीय 5G नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दक्षिणी कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला नेशनल 5G नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे बूट फलीका, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य की हल्दी है? तो ये उड़ीसा की हल्दी है, दक्षिण उड़ीसा में पाई जाती है कंदमाल हल्दी। अब ये जीआई टैग, इसके फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एडीबी ने 2019 में भारत के आर्थिक विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.2%। एडीबी के फुल फॉर्म में एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई क्षेत्रीय बैंक हिंदी में कहें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियन टूर से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो ये सम्मानित किए गए हैं पवन मुंजाल, ऑप्शन ए करेक्ट है पवन मुंजाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है बेल्जियम शीर्ष पर रहा है इसमें, और भारत की रैंकिंग भी याद रखना है, भारत रहा है 101वें स्थान पर रहा है इसमें फीफा रैंकिंग में 2019 में। और एशिया में बात करें तो भारत एशिया में 18वें नंबर पर है, और पूरे वर्ल्ड में 101वें नंबर पर है, और बेल्जियम है टॉप पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डेविड मलपास को। और अभी तक जिम योंग किम विश्व बैंक के अध्यक्ष थे वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, स्थापना हुई थी 1945 में, और अध्यक्ष अब नामित हुए हैं डेविड मलपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लंदन विश्वविद्यालय ने किसे परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है शाहरुख खान को। ऑप्शन बी करेक्ट है, शाहरुख खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे ग्लोबल स्लेक कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो ये किया है टाटा स्टील को। ऑप्शन बी करेक्ट है, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील ने अपने जो बाय प्रोडक्ट हैं उनको रीयूज करने के कारण ये नामित किया गया है टाटा स्टील को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है ग्राम रीड को। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ग्राम रीड, और इन्हीं को ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 7.5%, और ADB की रिपोर्ट के अनुसार 7.2% है 2019-20 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.5% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 7 अप्रैल को मनाए गए हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 10 अप्रैल को मनाए गए हैं विश्व होम्योपैथी वर्ल्ड होम्योपैथी डे। विश्व सम चिकित्सा दिवस मनाए गए हैं 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, और बात करें 7 अप्रैल को मनाया गया, 17 अप्रैल को मनाए गए हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, और 19 अप्रैल को मनाए गए हैं सॉरी 18 अप्रैल को मनाए गए हैं, यहाँ पे 18 है तो 18 अप्रैल को मनाए गए हैं विश्व धरोहर दिवस। और 22 अप्रैल को मनाए गए हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये सारे याद रखना है, इसलिए ऑप्शन में रखे हैं ये। तो 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व सम चिकित्सा दिवस, और 18 अप्रैल को मनाया गए हैं विश्व धरोहर दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, और बात करें 17 अप्रैल को तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो ये एक साथ इतने सारे इसलिए ऑप्शन में रखें कि जितने भी ये इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल माह के, वो सभी इसमें क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो अभ्यास का नाम याद रखना है भारत और सिंगापुर के बीच में, और सिम्बेक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच में ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रति सैन्य। तो ये याद रखना है, अभ्यास जितने भी अभ्यास इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया के कैप्टन है विराट कोहली, तो इन्हीं को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने इसराइल के बने बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एनी नूरेन, ये इंडोनेशिया की, और इन्हीं को ही एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विजडन लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है स्मृति मंधाना को, और विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था विराट कोहली को, और बात करें वीमेन विजडन लीडिंग वुमेन, तो ये नामित हुई है स्मृति मंधाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में WHO द्वारा जारी दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है कानपुर, रहा है इसमें टॉप पे। तो ये दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट है, इसमें कानपुर रहा है शीर्ष पर,
और वाराणसी इसमें तीसरे नंबर पे है, और ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वाराणसी 300 नंबर पे है, सबसे प्रदूषित शहरों में फर्स्ट पे है कानपुर, और इसमें 14 शहर भारत के हैं, इसमें 15 में से 14 शहर भारत के हैं, और 14 में से भी 4 उत्तर प्रदेश के हैं प्रदूषित शहरों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करें WHO के फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में, भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गए हैं? तो ये चुना गए हैं शिवा रेड्डी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में रक्षा वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गए हैं? तो ये नियुक्त किया गए हैं गार्गी कॉल, ऑप्शन ए करेक्ट है, गार्गी कॉल। हाल ही में किसने छठी बार चाइनीज, यहाँ पे चाइनीज है तो चाइनीज ग्रांड प्री किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने जीती है छठी बार चाइनीज ग्रांड प्री, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लुइस हैमिल्टन। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इनकी कंपनी भी याद रखना है, मर्सिडीज के हैं ये ड्राइवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हर्षिल दानी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, हर्षिल दानी। और दूसरे नंबर पे मेड्स क्रिस्टोपर्समैन परसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह चैंपियनशिप नीदरलैंड के हेग में हुई है, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित की है? तो ये की है चाइना ने, तो ये जल और थल, जल और जमीन दोनों पर चल सकती हैं ये ड्रोन, तो इसका नाम है मरीन लिजार्ड, तो नाम याद रखना है, तो चाइना ने विकसित की है पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन वर्ल्ड की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह यूएसए से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्री नेपाल ने किया है ये लॉन्च, और इस उपग्रह का नाम है नेपाली सेट 1, तो इसे यूएसए से लॉन्च किया है, और ये नेपाल का पहला उपग्रह है नेपाली सेट 1, इस उपग्रह का नाम याद रखना नेपाली सेट 1, और यूएस के वर्जीनिया से लॉन्च किया गया है इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और अभी अभी ये क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत रहा है 140वें नंबर पर रहा है इसमें भारत, और इसमें टॉप पे रहा है नॉर्वे, सेकंड पे है फिनलैंड, तो फर्स्ट पे है नॉर्वे, और भारत रहा है इसमें 140वें नंबर, तो टोटल 180 देशों का ये इंडेक्स है, तो भारत की रैंकिंग याद रखना है इसमें, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह राउंड 1 लॉन्च किया है? तो ये क्या है श्रीलंका ने किया है, और ये कहाँ से किया है? ये भी यूएस के वर्जीनिया से लॉन्च किया है राउंड 1, और नेपाल ने भी नेपाली सेट 1 उपग्रह लॉन्च किया था यूएस के वर्जीनिया से, तो ये भी यूएस के वर्जीनिया से लॉन्च किया है श्रीलंका ने राउंड 1, उपग्रह का नाम है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वरुण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में, तो जितने भी अभ्यास हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का नाम पूछ लेता है अभ्यास का नाम देखे, और भारत और रूस के बीच होता है इंद्र अभ्यास, और अमेरिका के बीच में होता है कॉप इंडिया, और एक और अभ्यास होता है वज्रप्रहार, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल तो ATP खिताब जीता है? तो ये जीता है क्रिश्चियन गेरिन ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रिश्चियन गेरिन, और इन्होंने अपना पहला ATP खिताब जीता है, ये चिली के टेनिस प्लेयर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है चाइना में, और इसमें भारत का नेतृत्व करेंगे मीराबाई चानू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है USA टॉप पे है, और UK सेकंड पे है, और कनाडा है थर्ड पे है।
तो फर्स्ट पे है यूएसए, अमेरिका है फर्स्ट पे, और इसमें भारत कौन से नंबर पे है? भारत की रैंकिंग भी याद रखना है, 17वें नंबर पे है भारत और अमेरिका है टॉप पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले इतालवी यानी इटली के कौन बने? इतालवी यानी पहले इटालियन बने ये, फेबियो फोगनिनी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, फेबियो फोगनिनी ये इटली के हैं। तो ये पहले इतालवी बने एटीपी मास्टर खिताब जीतने वाले, एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर पेपर रेडनेस में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है ऑस्ट्रेलिया रहा है पहले पे, नीदरलैंड रहा है दूसरे पे, और जर्मनी रहा है तीसरे पे। इसलिए ऑप्शन सीक्वेंस में रखे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे, नीदरलैंड सेकंड पे, जर्मनी थर्ड पे, और इसमें भारत कौन से नंबर पे है? तो इसमें भारत है 19वें स्थान पर, और ईआईयू के फुल फॉर्म में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसमें भारत रहा है 19वें और ऑस्ट्रेलिया है टॉप पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया है इंडोनेशिया ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इंडोनेशिया ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में असोचेम के महासचिव के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है उदय कुमार वर्मा ने। यहाँ पे एक एस और है, AS है ये, OCHAM, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी। असोचेम, AS OCHAM, इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये AS है यहाँ पे। तो उदय कुमार वर्मा ने इस्तीफा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है रशिया ने। तो रशिया ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये पानी में पहले, तो फ्लोटिंग यानी पानी में बनाए गए हैं पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो पानी के ऊपर बनाया गया है ये प्लांट, तो ये रशिया ने बनाया है, इसका परीक्षण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है बहरीन, बहरीन 22 पदक के साथ शीर्ष पे रहा है, और सेकंड पे रहा है इसमें चाइना, थर्ड पे रहा है जापान, और फोर्थ पे है भारत। तो इसमें सीक्वेंस है इसीलिए रखा है, और ये चैंपियनशिप हुई है कतर की कैपिटल है दोहा, तो यहीं पे हुई है ये चैंपियनशिप, और भारत ने टोटल 17 पदक जीता है भारत, तो 17 पदक के साथ फोर्थ पे है भारत और पहले पे है बहरीन, तो ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मलावी में, ये अफ्रीकन कंट्री है मलावी, और यहीं पे दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, जो ऑप्शन तीनों दे रखे हैं, सलीम खान, हेलेन, मधुर भंडारकर हैं यहाँ पे, तो इन तीनों ने जिताई है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019। तो ये सलीम खान एक पटकथा लेखक हैं, ये प्रसिद्ध नर्तिकाएं हेलेन और मधुर भंडारकर ये फिल्म निर्माता हैं, तो तीनों का नाम याद रखना है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से इनको सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने, तो पंकज आडवाणी ने जीता है ये खिताब, एशियाई स्नूकर टूर खिताब, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है SBI बैंक ने, तो SBI बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है, तो इस ऑप्शन बी करेक्ट है, SBI बैंक। अब ये ग्रीन कार लोन का मतलब है क्या? तो ये इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको खरीदने के लिए SBI बैंक, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये लोन किया है, ये लॉन्च किया है ग्रीन कार लॉन्च, तो ये मेनली इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है, ये इसी के लिए लोन शुरू किया है ये SBI बैंक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है, तीसरी कंपनी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तीसरी बनी है माइक्रोसॉफ्ट 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन वाली। अब ये बनी है तीसरी, तो पहली कौन सी है? पहली थी एप्पल, दूसरी थी अमेजोन, और अब ये तीसरी बनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो तीनों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिव इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 80वें नंबर पर रहा है भारत। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 80 नंबर पे भारत रहा है, और इसमें फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे सिंगापुर, और थर्ड पे यूएसए अमेरिका। तो टॉप पे है स्विट्जरलैंड और इसमें भारत रहा है 80वें नंबर पे। और जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था उसमें भारत रहा था अभी 2018 में 77वें नंबर पे। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो हुआ था उसमें 140वें नंबर पे था इंडिया। तो 80वें नंबर पे है इसमें ग्लोबल टैलेंट कंपिटेटिव इंडेक्स में। तो ये तीनों याद रखना है, तीनों ऑप्शन इसीलिए रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने पहली बार ओडीआई यानी वन डे इंटरनेशनल टीम का दर्जा हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने पहली बार एक दिवसीय टीम का दर्जा हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण किसने जारी किया है? तो ये किया है पीटर पॉल सल्दान, इन्होंने मंगलोर में जारी किया है, पीटर पॉल सल्दान ने भारतीय भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण यानी कोंकणी वर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्री 2019 किसने जीती है? तो ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, वाल्टेरी बोटास ने जीती है ये अजरबैजान ग्रांड प्री, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये भी, वाल्टेरी बोटास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इकमंगा पुरस्कार 2019 किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है जैक कालिस ने। तो ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जैक कालिस, और इन्होंने इकमंगा पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला एम्पायर कौन बनेगी? तो ये बनेगी क्लेयर पोलो साक। तो ये बनेगी पुरुषों के वनडे मैच में एम्पायरिंग महिला एम्पायर बनेगी ये पुरुषों के वनडे मैच में, तो ये क्लेयर पोलो साक बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगभग सारे डेज कवर कर दिए हैं इंपॉर्टेंट अप्रैल माह के। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो 28 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक दिवस, और 24 अप्रैल को मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है ये, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस, और पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस, और 28 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना है, अप्रैल माह के लगभग सारे कवर हो गए हैं इसमें इंपॉर्टेंट डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राणा दास गुप्ता को, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में करणम शेखर को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंट है, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है करणम शेखर को। तो ये IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारत का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ICC यानी इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारत का नया अध्यक्ष चुना गया है
विक्रमजीत सानी को। आईसीसी फुलपुरम दूसरा भी होता है एक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये अलग है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो विक्रमजीत सानी बने अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सिडनी ब्रेनर का निधन हुआ है, तो ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे सिडनी ब्रेनर, और इन्हीं का निधन हो गया है। और इनको ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इनको 2002 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था, 2002 में मेडिसिन के क्षेत्र में सिडनी ब्रेनर, तो इनका अभी निधन हो गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश आईएसए में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है बोलिविया, हुआ है शामिल आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसी में शामिल हो गए हैं बोलिविया। और आईएसए की स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में, और अभी गुरुग्राम में बताया था भारत के पहले वाटर पार्क का उद्घाटन हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गरुड़ प्रकाशन ने सेफ्रन सवार्ड्स का अनावरण किया है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मनोषी सिन्हा राहुल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो गरुड़ प्रकाशन ने सेफ्रन सवार्ड्स का अनावरण किया है, ये बुक है, इसके लेखक याद है, याद रखना है मनोषी सिन्हा राहुल। चलते हैं और देखते हैं आज आज का क्वेश्चन, इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं इसका इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है, हाल ही में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट अप्रैल मंथ के सारे वीडियो में, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लिए हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें इसको, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें, ये आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए गए हैं, इसमें अप्रैल मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस, अब हम मई के टॉप 50 क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे इसमें आगे के वीडियो में। अगर डेली करंट अफेयर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।